तो संजय राउत के खिलाफ बयान देने वाली महिला को लगातार जान से मारने की धमकी, रेप की धमकी दी जा रही है। जी हाँ, संजय राउत के खिलाफ गवाही देने वाली स्वप्ना पाटकर को धमकी मिली है। उन्होंने बोला है कि बयान वापस लेने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। मुंबई के 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चौल भूमि घोटाले का ये केस है। स्वप्ना पाटकर को रेप और जान से मारने की धमकी मिल रही है। उन्होंने कहा कि अखबार जो आता है उस अखबार में मुझे पत्र लिखकर आया है, इसमें कहा गया है कि तुम्हारा रेप कर तुम्हारी हत्या कर तुम्हें थाने की खाड़ी में फेंक देंगे, मारकर थाने खाड़ी में फेंकने की धमकी दी गई है। स्वप्ना पाटकर ने मामले में वकोला पुलिस स्टेशन की शिकायत वकोला पुलिस स्टेशन में की है। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार। भारत सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबई करों को लोकल में एंट्री। खबरों का सहनसा, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।